हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल मोटिवेटेड टू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब दैट इज़ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। उसके लिए वी नीड टू स्टडी रेगुलरली एंड फॉर दैट वी हैव ब्रॉट फॉर यू दिस फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड टुडे इज डे 8 फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड with today's session. So in today's class we will be talking about an MOU that has been signed between SIDBI and ONDC. So what is this ONDC? That is Open Network for Digital Commerce. Iska kya matlab hota hai? And if you are regularly visiting the newspapers, agar aap online bhi dekh rahe honge, to ye kai baar news mein bhi aa raha hai, ONDC, ONDC, ONDC. So what is this ONDC? What are the features of this ONDC that we are adopting it? What benefits or what challenges it is going to overcome, right? Iske alawa, how it is going to operate, all of these will be studied in today's session. So let's get started. So first and foremost, a memorandum of understanding, that is an MOU, has been signed between Small Industries Development Bank of India, SIDBI, and Open Network for Digital Commerce, ONDC. अब मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए हैं बिकॉज मेनी ऑफ यू वेर रिक्वेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन, बट येस इन द फर्दर स्लाइड्स वी विल बी यूजिंग द वर्ड ONDC, SIDBI ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही लेकर चलेंगे। बार बार बोलना पूरा फुल फॉर्म इज कम्बसम एट द सेम टाइम डिफिकल्ट, राइट? तो अब ये जो SIDBI और ONDC हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया। सो वाई इज एन MOU साइन? So the basic purpose of signing an MOU is to take out the benefit of synergy. उन दोनों के जो भी functions हैं उनको coordinate कर सके, so that an outcome that is greater than their individual efforts could be energized or could be channelized. तो यहाँ पे SIDBI और ONDC दोनों एक साथ आ रहे हैं, so that they can coordinate their functions. SIDBI के पास कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ONDC के पास होंगी. Using both of these functions, they want to make something for this MSME sectors. So, jitne bhi micro, small and medium enterprises hain, unke liye basically ye MOU sign kiya gaya hai, jahan pe they want the participation of these MSMEs in the e-commerce site or the e-commerce space increases. Ye chah rahe hain MOU ke dwara ki MSME ka jo स्कोप है, जो पार्टिसिपेशन है इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, वो इंक्रीज हो सके, बिकॉज ये देखा गया है दैट अराउंड 1.2 करोड़ जितने भी लोकल किराना स्टोर्स हैं आपके आसपास, वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, दे मेक अप टू 80% ऑफ द टोटल रिटेल शॉप्स इन इंडिया। तो जितने भी टोटल रिटेलर्स हैं इंडिया में, उसका 80% हमारे लोकल किराना स्टोर्स होते हैं। And the saddest part is, ये जो किराना stores हैं, local किराना stores हैं, they are not registered on any of the e-commerce platform. क्यों registered नहीं है? Because एक reason जो बहुत ज़्यादा है वो है entry cost. Entry barriers कई बार इन छोटे किराना stores के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है enter करना. Secondly, आपने देखा होगा जैसे Amazon हो गया या फिर आपका Flipkart हो गया, they have their own presence और कई बार वो dominate करते हैं। You need to work as an operator out there. वो as a operator काम करते हैं आपके अपने नीचे, आप इन छोटे MSMEs को या किराना stores को रखते हैं। They do not try to give them that facility, that freedom. इसलिए कई बार ये जो MSMEs होते हैं, they do not go for this e-commerce website और वो prefer करते हैं कि मैं offline stores के through ही अपनी चीज़ों को बेचे। बट अब SIDBI और ONDC दोनों एक साथ आ रही है एंड नाउ दे वॉन्ट कि हम कुछ प्रोग्राम्स लाएँ, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गया या फिर कुछ ऐसा अप्रोच लेकर आएँ जिससे वी कैन एंकरेज दिस MSMEs टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द ई कॉमर्स स्पेस। आपको समझ आ गया MOU का मतलब और क्यों, उसका रीज़न क्या था इस पार्टनरशिप को एग्जीक्यूट करने की। और ये तो फॉर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, बस आपको ये याद रखना कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? तो द MOU वाज साइंड बिटवीन SIDBI के CMD दैट इज शिव सुब्रमण्यम रमन एंड द CEO ऑफ ONDC टी कोशी।
ठीक है, तो ये था जो MOU साइन हुआ है इन दोनों के बीच में। अब इस MOU के द्वारा सिडबी और NDC क्या चाहता है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। ये बता रहा है दैट दे विल कम अप विथ सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सम मास्टर क्लासेस ऑन ONDC पोर्टल, कि कैसे उस पोर्टल को यूज़ करना है और क्या क्या और सेशंस हम रख सकते हैं जिससे उनको हम एजुकेट कर सकें, सो दैट दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एंड यूज द फैसिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स स्पेस। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस MVP डेफिनेशन। अब MVP क्या होता है? तो MVP स्टैंड्स फॉर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो कई बार क्या होता है, MSMEs जब अपने इनिशियल स्टेजेस में होते हैं एंड इफ दे वॉन्ट टू कम अप विथ सर्टन प्रोडक्ट्स, वो डायरेक्टली ऐसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। इफ दे आर लॉन्चिंग इट डायरेक्टली, सो दे आर चांसेस कि फेलियर रेट्स बहुत हाई हों, ठीक है, सक्सेस रेट बहुत लो हो। इन दैट केस वॉट एवरी कंपनी, नॉट ओनली MSMEs, इवन द बिग कंपनीज, वो इन प्रोडक्ट्स को जो उन्होंने डेवलप किया है वो मार्केट में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। सो वॉट इज दिस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट? सो इट इज दैट प्रोडक्ट दैट इज इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड दैट इज क्रिएटेड फॉर सेलेबल पर्पज। ऐसा प्रोडक्ट जो अपना इनिशियल स्टेज में है, दैट इज द फर्स्ट वर्केबल एज वेल एज द सेलेबल, जो सेल हो सके। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा प्रोडक्ट आपने दे दिया, ऐसा प्रोडक्ट हो जो सेलेबल भी है, वर्केबल भी है, एंड दैट इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस कंसेप्ट, को बोला जाता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये एक डेवलपमेंट टेक्निक है जहाँ पे जितना द मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, सो दैट दीज कंपनीज, दीज MSMEs और दीज एंटरप्राइजेस कैन गॉज, कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, कि क्या उसमें चेंजेस करने हैं, क्या एडिशन करना है, क्या और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक जो प्रोडक्ट इनिशियली इनिशियल स्टेज में इशू किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको बोला जाता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसके बारे में भी मास्टर क्लासेस दिया जाएगा इन MSMEs को, इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को। आई होप आपको इनकी इंटेंशन समझ आ गई होगी। अब इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एज ऑफ नाउ 3 पार्टनर्स हैव बीन जॉइंड टू ONDC। दीज आर अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, देन वी हैव द एक्सेस लाइवलीहुड्स ग्रुप, एंड थर्डली वुमेन कोऑपरेटिव लूम्स ऑफ लद्दाख। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर इंट्रोड्यूस टू ONDC। अब हम ONDC कर रहे हैं, वॉट इज दिस ONDC? ONDC होता क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये है क्या? तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है वेयर बाय द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड एन ओपन नेटवर्क। ऐसा नहीं कि आपको किसी ऐप के थ्रू आना, एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, देयर बाय यू कैन सेल एंड परचेज any of the goods and services. There can be exchange of any goods and services, be it mobility ki ho, grocery ho, food order ki ho, delivery ki ho, hotel booking ki ho, traveling ki ho, payment ki ho, medicines ki ho, kuch bhi ho, any type of exchange of goods and services could happen through an open network. Aisa nahi ki aapne Myntra ke through kiya to Myntra ke through hi hoga. Aap kahin se bhi kisi bhi app se kar sakte ho. That is, but that app should be registered or a partner of ONDC. ONDC के साथ आपको register करना पड़ेगा। अगर Myntra register ही नहीं करता ONDC के साथ, तो it will not be a partner app of ONDC. Therefore, you cannot transact through them. ठीक है? So ONDC is going to provide you with a platform whereby you can transact any kind of goods and services, and therefore it tries to create new opportunities, curb the digital monopolies that have been created by companies like Amazon, Flipkart, and to get all of these MSMEs to the online platform. The online platform pe MSMEs ko lana hai, cost ko reduce karna hai, open platform provide kar diya, jahan pe buyers, sellers ko aisa nahi ki ab bas Amazon ke hi sellers ko kar sakte ho. Those sellers can be registered on n number of partnered ONDC apps, or buyers can purchase from any one of them. So this is the benefit that ONDC is trying to
लेवरेज एंड प्रोवाइड टू दी MSMEs, ठीक है। अब ONDC को हमने डेवलप क्यों किया, तो ONDC को इसलिए डेवलप किया गया बिकॉज देवे इंस्टेंसेज ऑफ माल प्रैक्टिसेस एज वेल एज मिसइंटरप्रिटेशन एंड मोनोपोली डन बाय जायंट कंपनीज लाइक Amazon एंड Flipkart। इनकी डुओपोली थी मार्केट में, जब देखो Amazon से ले रहे हैं या Flipkart से ले रहे हैं। सेलर्स कई बार परेशान होते थे क्योंकि जो भी सेलर्स की रेपुटेशन बिल्ड होती थी, सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, एक्स वाई जी सेलर से, वो सेलर की जो भी आप रिव्यू करते थे, जो भी आप उसको 5 star, 4 star, जो भी उसको आप स्टार प्रोवाइड करते थे, दैट वॉज गिवन टू Amazon। Amazon की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अगर दिस स्पेसिफिक सेलर वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस लूप, अगर वो इस कंपनी से हटना चाहता है, तो उसकी खुद की इंडिविजुअल ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है। और एंट्री कॉस्ट बहुत हाई होते हैं इनमें एंटर करने के लिए, आपको कमीशन देना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। सो हुज कम अप विद दिस ONDC? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हैज बीन एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये क्वेश्चन आराम से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ONDC किसका पार्ट है। जैसे बाकी NPCI वगैरह हैं, NPCI नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही ONDC भी एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर DPIIT ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ONDC को बनाया गया है, दैट टू अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अभी ये जो ONDC है, इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज, तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया है इन सम 5 cities, दैट इज दिल्ली NCR हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया, कोयम्बटोर हो गया, भोपाल हो गया, शिलोंग। तो इन 5 जगहों पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट ONDC को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये ONDC काम कैसा करता है। तो ONDC को ये बोला जा रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट UPI मॉडल। वॉट इज़ द UPI मॉडल? UPI में क्या होता है? तो थ्रू UPI एक ऐसा फीचर है NPCI का, जहाँ से यू कैन मेक पेमेंट टू इधर गूगल पे, जी पे के थ्रू कर लो, फ़ोन पे के थ्रू कर लो, पेटीएम के थ्रू कर लो, ठीक है, भार जो हमारा भीम है उसके थ्रू कर लो। तो भीम हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, रेस्ट जितने भी ऐप्स हैं उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो यूजिंग योर UPI। द सेम फीचर इज़ गवर्नमेंट ट्राइंग टू ब्रिंग इन द ONDC नेटवर्क। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं सबको आप थ्रू दिस ONDC नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगी बायर्स को और सेलर्स को? बायर्स को ये बेनिफिट है कि उसको एक ही प्रोडक्ट जो है अक्रॉस सेवरल सेलर्स मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर सपोज उसको फ्रिज खरीदनी है, तो सपोज इफ ही गोज ऑन टू Amazon, अगर वो Amazon पे जाता है, उसको कुछ 7 से 8 sellers मिलते हैं। बट अंडर दिस ONDC नेटवर्क अब उसको जितने भी लोग आएंगे, इज परसीव दैट देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, बिकॉज सेलर्स विल नाउ बी एंकरेज, नाउ बी मोटिवेटेड टू जॉइन दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, एंड देयर बाय ये 7 to 8 से 20-30 या जितने भी फ्रिज के सेलर्स हैं वो सारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेनिफिट दैट बायर्स विल बी गेटिंग, दे विल बी गेटिंग एन नंबर ऑफ सेलर्स फॉर वन प्रोडक्ट दैट दे आर गोइंग टू सर्च। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेलर्स, सेलर्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल MSMEs, जो कोई एक छोटे से ऐप पे जो उन्होंने खुद ही लॉन्च किया हो उस पे रजिस्टर्ड है, एंड देर इज़ एन MSME That is registered on Amazon या फिर Flipkart, आप बताओ किसकी सेल ज़्यादा होगी? Obviously Amazon की। लोग यहाँ ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज दिस सेलर विल बी गेटिंग मोर एडवांटेज देन दिस MSME दैट इज रजिस्टर्ड ऑन सम रैंडम स्मॉल ऐप। अब क्या होगा, नाउ सिंस ऑल ऑफ दीज सेलर्स, चाहे ये Amazon के, अगर Amazon भी ज्वाइन होता है ONDC से,
जितने भी सेलर्स हैं दे विल बी गेटिंग अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म दैट इज द ONDC प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक इक्वल लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, तो एक हेल्दी लेवल ऑफ कंपटीशन होगा बिकॉज ऑल ऑफ देम विल बी गेटिंग द सेम एडवांटेज द सेम फैसिलिटी. सो दिस इज द बेनिफिट दैट द सेलर्स विल बी गेटिंग. अब ये देख लेते हैं पहले क्या था और अब क्या है, वॉट इज़ द फ्यूचर, बिकॉज ONDC अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, हमने बस 5 cities में उसको लॉन्च किया है, ठीक है. तो अर्लियर क्या था, सपोज कंज्यूमर है एंड इट इज़ यूजिंग वन ऐप, मान लो Amazon यूज़ कर रहा है एंड ही wants टू परचेज सम मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदना चाह रहा है, या फिर उसको अपनी कार रिपेयर करानी है, सर्विसिंग करानी है, देन दैट पर्सन कैन डू सो ओनली थ्रू द प्रोवाइडर ऐप, जो ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू ही कर सकता है, किसी दूसरे सेलर से वो नहीं कर सकता, राइट. सिमिलरली कोई दूसरा है द सेम कंज्यूमर, अगर उसको कुछ और ख़रीदना है, सपोज ई कॉमर्स ख़रीदना है, अब उसको इस ऐप पे आना पड़ेगा, थर्ड वाले को थर्ड ऐप पे आना. बट नाउ अंडर दिस ओपन नेटवर्क मॉडल ऑल द बायर्स, जितने भी बायर्स हैं, देयर विल बी सेवरल एप्लीकेशंस टुगेदर एट वन प्लेस. तो जितने भी हैं आपको ओपन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो भी इसमें जुड़ता जाएगा बायर्स के साइड से, एवरीथिंग विल बी ओपन टू देम. यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेलर्स कैन गेट रजिस्टर्ड एंड दिस सेलर्स कैन प्रोवाइड यू विथ ऑल द सर्विसेज एट जस्ट वन प्लेस. एक प्लेस से आप सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, बी इट कार सर्विसिंग, बी इट परचेजिंग ऑफ ग्रोसरीज, बी इट ऑफ पेमेंट और फूड डिलीवरी, फूड ऑर्डर, सारे आपको एक जगह पे मिल जाएगा. लाइक दैट ऑफ द UPI जो हमने अभी डिस्कस किया था. UPI के लिए आपको स्पेसिफिकली किसी ऐप के थ्रू नहीं जाना, आप गूगल पे यूज़ कर लो, पेटीएम यूज़ कर लो, अमेजोन पे यूज़ कर लो, कोई सा भी ऐप यूज़ कर लो एंड यू कैन मेक दी पेमेंट. सो दिस इज़ हाउ ONDC इज़ गोइंग टू वर्क. सो ONDC विल बी इन द मिडल ऑफ द इंटरफेस कनेक्टिंग द बायर्स एंड द सेलर्स. अभी के लिए जो बायर है, दी ओनली बायर दैट हैज़ कम अप टू ज्वाइन दी ONDC इज पेटीएम. अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, पेटीएम ने ज्वाइन किया है टू प्रोवाइड दी बायर इंटरफेस. और यहाँ पे आपके सेलर इंटरफेस हैं, फॉर एग्जांपल फ्रुगोल करके एक कंपनी है दैट विल प्रोवाइड यू विद दी सेलर इंटरफेस पार्ट. नाउ दिस ONDC विल बी इन द मिडल ऑफ द नेटवर्क वेयर बाय एनी बायर, सपोज एक बायर है ए, नाउ ए वॉन्ट्स टू परचेज समथिंग, उसने पेटीएम के थ्रू देखा, नाउ पेटीएम विल ओपन इट्स नेटवर्क टू दी ONDC, ONDC से इस बायर को कनेक्ट कर देगा, द ONDC नेटवर्क विल कनेक्ट द बायर टू दी सेलर्स. तो एन नंबर ऑफ सेलर्स विल बी अवेलेबल, सबकी अलग अपनी लिस्टिंग होगी चीज़ों की, एंड द बायर कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम एनी ऑफ दी सेलर्स. उसको स्पेसिफिकली अमेजोन से ही नहीं खरीदना पड़ेगा, वो किसी दूसरे ऐप से भी खरीद सकता है. तो दिस इज द बेनिफिट, बट इसको ऑब्वियसली चैनलाइज होने में, मोनेटाइज होने में टाइम लगेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज सिंपल एज UPI वॉज, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ ONDC इज गोइंग टू वर्क. इसकी डेफिनेशन, इसका एंटायर प्रोसेस हैज़ बिन रिटन डाउन हियर एज रिक्वेस्टेड बाई मेनी ऑफ यू, ठीक है. और इसके अलावा बस बायर्स और सेलर्स ही नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू बी सेवरल अदर पार्टनर्स, सच एज बैकएंड के जितने भी पार्टनर्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी देखेंगे, या फिर आपके लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे और ई कॉमर्स होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, ये सारे आपके इस ऐप, इस ONDC नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, द नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया. एक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है ONDC नेटवर्क. नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ONDC विल प्रोवाइड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लो एंट्री बैरियर्स, thereby इट विल प्रमोट हेल्दी कंपटीशन. एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए एंड देन देर आर लेवल प्लेइंग फील्ड, एवरीवन विल बी ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स. जो सेलर्स होंगे वो चीटिंग नहीं करेंगे, एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, बिकॉज बायर्स फिर उनसे खरीदेंगे नहीं. So there will be a healthy competition leading to increase in the growth of the market. So overall market की growth होगी, ठीक है. दूसरा आ जाता है that there is a probability के sellers will be encouraged to deliver better customer experience across platforms. अगर customers आपके साथ खरीद रहे हैं तो आपको पता है as a seller कि there are n number of other sellers selling the same product. अगर consumer या buyer आपसे खरीद रहा है then you will have to provide
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज. आपको कुछ उसमें चोरी नहीं करनी, एडल्ट्रेशन नहीं करना या किसी किस्म की और पैकेजिंग अच्छा नहीं देना. आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों को डिलीवर करना पड़ेगा, देयर बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू दिस बायर. ठीक है, उसके अलावा ये बोला जा रहा है दैट देयर विल बी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस. डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? अभी जैसी जो मार्केट है ई कॉमर्स की इंडिया में, इट इज़ मोर डोमिनेंट बाय मेजरली टू मेजर पार्टनर्स, दैट इज अमेज़न एंड वॉलमार्ट, वॉलमार्ट लेड फ्लिपकार्ट. अब क्या होगा, इनकी जो डुओपोली चल रही थी, इनकी जो मोनोपोली थी, वो अब गिर जाएगी. नाउ देयर विल बी डेमोक्रेटाइजेशन. डेमोक्रेटाइजेशन क्या मतलब होता है? मोर पार्टनर्स, मोर एप्स विल बी गेटिंग द फ्रीडम टू विल बी एंकरेज एंड विल बी गेटिंग द फ्रीडम टू ट्रांजैक्ट विद द बायर्स. उसके अलावा एक कॉमन सेलर रजिस्ट्री बनेगी. सपोज करो एक सेलर है बाय द नेम अरविंद. अरविंद एक सेलर है और वो सपोज फ्रिज बेचता है. ठीक है, ही इज द सेलर ऑफ फ्रिज. अब ये अमेजोन पे भी रजिस्टर्ड है, फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर्ड है और टाटा नियो जो आया है उस पे भी रजिस्टर्ड है. ठीक है, अब ये तीनों पे रजिस्टर्ड है. अब अरविंद को फ्रिज बेचने के लिए सपोज कुछ लोग अमेजोन से खरीद रहे हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से, कुछ टाटा नियो से. अब अरविंद को इन तीनों ऐप्स के लिए तीन अलग अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ वॉट एवर ट्रांजेक्शन ही इज डूइंग विद द बायर्स थ्रू दैट ऐप. बट यूजिंग दिस ONDC को यूज़ करके अब क्या होगा, नाउ द कस्टमर्स, नाउ द सेलर विल हैव टू मेंटेन जस्ट वन रजिस्टर. एक कॉमन रजिस्टर बनाएगा वो अपना. देयर बाय इससे क्या होगा, उसको टेंशन कम होगी, उसकी सेलर बेस इंक्रीज होगा अक्रॉस ऑल द प्लेयर्स. ठीक है, सेलर, उसकी जो सेलर बेस है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन दिस नेटवर्क. और उसका जो झंझट है ये हर चीज़ के लिए अलग अलग मेंटेन करना, वो नहीं होगा. और उसको एट अ टाइम पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू मेरी कितनी सेल हो रही है, कितने प्रोडक्ट्स मैंने बेच दिए, लास्ट मंथ कितना बेचा था, इस मंथ कितना बेचा था. ऑल ऑफ दिस एनालिसिस कुड बी डन इन अ मच सिंपलर वे. तो ये अदर अपॉर्चुनिटी है जो मिलेगी सेलर्स को. तो बायर्स के लिए भी फ़ायदा है और सेलर्स के लिए भी फ़ायदा है. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ONDC इज ट्राइंग टू एड्रेस? सो जैसे हमने बात किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज इज द डोमिनेंस ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स. इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन लाने की बात चल रही है. यूजिंग दिस ONDC प्लेटफॉर्म, अगर हमने कैटर कर लिया कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या साइट्स हैं, ये सारे अगर ONDC पे आ जाते हैं, तो सेलर्स को एक वो मिल, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वेयर बाय दे कैन सी कि कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, एंड देयर बाय एंट्री लेवल फीस भी कम हो जाएगी. बायर्स को एक वाइडर सेलर बेस मिल जाएगा एंड देयर डोमिनेंस विल बी डिक्रीज. और जो सेलर है उनकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा. इस तरीके से पहले जो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट थे, दे वर एक्टिंग एज एन ऑपरेटर, इसके नीचे सेलर्स काम कर रहे थे. Now they will act as a facilitator. Now the seller will be using the app. The Amazon or this apps will be providing a facility to the sellers in order to sell the product. ठीक है, इसके अलावा ये part मैंने already discuss कर दिया है कि there was an inability of the sellers to move out of the platform. अगर वो Amazon पर registered है, उसको जो भी ratings मिल रही थी वो Amazon के app पर मिल रही थी और वहीं के लिए एप्लीकेबल थी. इंडिविजुअली उसको कोई नहीं पहचान रहा था, बट नाउ यूजिंग दी ONDC, अगर कोई सेलर चाहता है कि मैं अमेजोन से रजिस्टर ना हूं क्योंकि मुझे वहां कमीशन ज्यादा पे करना पड़ रहा है, मुझे टाटा के पास जाना है बिकॉज दे आर चार्जिंग लेस ऑफ द कमीशन, दिस कैन हैपन वाइल रिटेनिंग द सेम क्रेडिबिलिटी, द सेम रेटिंग्स दैट द सेलर हैज रिसीव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर. दीज आर द चैलेंजेस दैट ONDC एम्स टू एड्रेस, एम्स टू सॉल्व using this open network platform. I hope आपको समझ आ गया होगा. और भी developments आएंगे, और भी news आएंगे in future. जैसे जैसे इसमें developments होंगे, successful होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें in future जिस जैसे आएगा वैसे हम discuss करेंगे. Now we'll talk about Microsoft. अब बहुत देखो, अब ONDC network में जैसे हमने बात किया, buyers होंगे, sellers होंगे, service providers होंगे, टेक्नोलॉजी के लिए होंगे,
बैंक्स के लिए होंगे फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स प्लानिंग के लिए होंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कितना स्टॉक में रखना है, ठीक है, वो होंगे. चैनल प्रोवाइड करने के लिए, लाइक प्रोवाइडिंग दी ऐप थ्रू विच, प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म थ्रू यू कैन एक्सेस और यू कैन कॉन्टैक्ट दी सेलर्स. तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, राइट. अब इन सारे लोगों में से हमें देखना कि किन किन ने अब तक ज्वाइन कर लिया है ONDC को. आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो ONDC नेटवर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, ठीक है. और अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट बिग फिनटेक कंपनी टू ज्वाइन द ONDC. अब माइक्रोसॉफ्ट के ज्वाइन करने से क्या मतलब होता है? सो माइक्रोसॉफ्ट वॉन्ट्स टू बिल्ड द हैबिट ऑफ ग्रुप परचेजिंग. ग्रुप परचेजिंग का क्या मतलब होता है कि आप सोशली एक ग्रुप में, सपोज एक रूरल एरिया है, राइट, यहाँ पे बहुत लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, तीन चार फ्रेंड्स ने मिलके एक साथ शॉपिंग कर ली, बल्क शॉपिंग कर ली, इसको बोलते हैं सोशल ई कॉमर्स. तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए ज्वाइन किया है दैट इट विल कम अप विथ सर्टन थिंग. मे बी जैसे उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले ऐप लेकर आएंगे, एक शॉपिंग ऐप लेके आएंगे, एंड आर मेन इंटेंशन इज टू इंट्रोड्यूस सोशल ई कॉमर्स इन द इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट में हम सोशल ई कॉमर्स को लाना चाहते हैं सो दैट ग्रुप बाइंग एक्सपीरियंस कुड बी एनहांस, ग्रुप बाइंग हो सके, ठीक है. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो वॉन्ट्स बायर्स टू डिस्कवर द बेस्ट प्राइसेज ऑफर्ड बाई रिटेलर्स एंड सेलर्स. तो ये चाह रहे हैं कि जितने भी ये बायर्स हैं जो दो या तीन लोग एक साथ मिलकर खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटेलर्स मिल जाएगा. कौन उनको सस्ते में दे रहा होगा? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वाली केस आ जाएगी. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन सकता है, वन मार्कर इन योर फेज वन, फेज टू, किसी भी एग्जाम में आ सकता है. Which fintech company has joined, which is the first fintech company to join the ONDC network? It is none other than your Microsoft. ठीक है, Microsoft basically social e-commerce लाना चाह रहा है, group buying experience provide करना चाह रहा है by allowing the buyers to discover a wide range of sellers, a wide range of retailers, providing the best of the best competitive prices. And Microsoft is going to do this by introducing a shopping app. I hope आपको समझ आ गया होगा. Now let's understand कि और कौन कौन है जिन्होंने ONDC को join किया है. तो जैसे मैंने बताया, ONDC आपका middle में रहेगा, जो भी interface होगी यहाँ पर आपके buyers होंगे. There will be certain apps that will be working as the buyer side interface, and here we will have the seller side interface. And in between, we will have the logistic service providers, the enterprise service providers, as well as storekeepers. कितना हमें stock रखना है, नहीं रखना है, technology provider, वो सारे इधर आएंगे, ठीक है. तो buyer side में it is Paytm that has come up, that has joined ONDC on the buyer side. On the seller side, we have Digit, eSamuday, GoFrugal, Growth Falcons, and Seller App. And if you talk about logistics services, अब logistics services कौन provide कर रहा है? Dunzo and Loadshare. The Reliance backed जो Dunzo है, it will provide the logistics services. What do you mean by logistics services? Suppose करो, बहुत सारे sellers हैं, जब जैसे हमने बात करी कि हमें किराना stores को in e-commerce site से जोड़ना है, तो आपको same day delivery मिले, आपको जो physical experience है purchasing in किराना store से, वो आपके full, इसलिए Dunzo वगैरह को भी हम लाना चाह रहे हैं. दैट विल प्रोवाइड हाइपर लोकल डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, दो घंटे में डिलीवरी प्रोवाइड करना, जैसे आज की डेट में Blinkit कर रहा है, राइट. Blinkit हो गया, Zepto हो गया, Blinkit, Zepto, Instamart, सो ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग विद दिस हाइपर लोकल डिलीवरीज. तो ऐसे ऐसे अगर ये भी ज्वाइन हो जाते हैं ONDC से, तो आपको ये सेवरल ऐप्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दे विल जस्ट वन ऐप जिसके थ्रू आप कर सकते हो, या इस ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो. देन ONDC का जो वेबसाइट है वहाँ पे ये भी मेंशनड है दैट कोटक, फोन पे, जोहो एंड स्नैपडील आर एट द एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस ONDC नेटवर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक सच एज एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इवन येस बैंक आर इन द इनिशियल इंटीग्रेशन विद द ONDC नेटवर्क.
All of these have joined or are intending to join the ONDC network to provide the wide range of benefits. और जो डुओपोली है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है. डेमोक्रेटाइजेशन करना है हमें हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, क्योंकि जितने 1.2 करोड़ के आसपास हमारे किराना स्टोर्स हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल रिटेलर्स इन इंडिया, और वही ई कॉमर्स साइट्स पे नहीं है. इसलिए बायर्स को भी चीज़ें कई बार महंगी मिलती हैं. बट विथ ऑल ऑफ देम ऑनबोर्डिंग दी ONDC नेटवर्क, एक तो उनकी एंट्री बैरियर्स कम रहेंगी, उनको फीस कम पे करना पड़ेगा, कमीशन भी कम पे करना पड़ेगा, एंड बायर्स विल बी गेटिंग दी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ONDC एंड द MOU दैट वॉज साइंड बिटवीन SIDBI एंड ONDC. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ देर आर सर्टन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म. आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड करने हैं कमेंट सेक्शन में. कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है कमेंट करना. 3 to 4 ऑफ यू आर आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लाइक कि और भी लोग पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अभी से करते चलोगे तो ही जाके आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल सकती है. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट MOU, किसके बीच में साइन हुई थी. कई बार याद नहीं रहता, प्लीज़ ट्राई टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ONDC का फुल फॉर्म. फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं. फेज 2 में भी देखा गया है कि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं. राइट, ONDC का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा. सिमिलरली एक देश बिल करके आया था, उसका फुल फॉर्म क्या है. ASBA करके ASPA होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. इन सब के फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू हैव जॉइन द ONDC नेटवर्क इन इट्स पायलट फेज ओनली. इट इज़ नन अदर देन, यू नीड टू आंसर इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड द फोर्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट हु इज़ ऑन द बायर साइड. सो देर इज़ एज ऑफ नाउ ओनली वन कंपनी और वन app is on the buyer side. You need to identify the correct one and mention it down in the comment section. Answers are already provided in the PDF. ठीक है, PDF में already provide है, and this PDF will be made available to you over the Telegram group. अगर आपने join नहीं किया है आप कर सकते हो. In case if you have any doubt, then you can contact us at this number 9999466225, and you can also visit our website and write to us at info@anujindal.in. So this was all for today. I hope you liked the session and keep learning. Till then, take care. Bye-bye.